31 वार्ड में जितने भी नागरिक हैं सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये पर्व को अच्छे से मनाएं। हमारी माता बहनों से अनुरोध है कि क्रम संख्या 3 पर टेम्पू छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। जैसे जैसे नगर परिषद के चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों का रुझान जनता के प्रति बढ़ता दिखाई दे रहा है। हर ओर क्षेत्र में प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोट मांगते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में संपचक नगर परिषद सिरपतपुर के वार्ड नंबर 31 से वार्ड पार्षद पद के लिए उम्मीदवार शोभा कुमारी ने अपना चुनावी बिगुल फूका। शोभा कुमारी का क्रमांक संख्या 3 और चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। जनता के बीच पहुंची शोभा कुमारी कहती हैं कि वार्ड का विकास वही करेगा जो वार्ड पार्षद शिक्षित होगा। हमारे वार्ड की जनता कई परेशानियों को झेल रही है। वार्ड में जल जमाव, सड़क तथा शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। उन्होंने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो अपने वार्ड में मैट्रिक इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास सभी विद्यार्थियों को नकद स्वरूप 10,000 अपने निजी फंड से सहयोग राशि के रूप में दूंगी ताकि हमारे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ा रहे। वार्ड में किसी भी लड़की की शादी में मैं अपने निधि फंड 5100 रुपया सहयोग राशि दूंगी। वहीं उन्होंने कहा कि वार्ड में किसी की मृत्यु पर 5000 सहयोग राशि के रूप में अपने निजी फंड से दूंगी। उन्होंने कहा कि वार्ड में एम्बुलेंस की सुविधा, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, प्राथमिकी विद्यालय को डिजिटल विद्यालय बनाने से लेकर वार्ड में 3 मुख्य द्वार का निर्माण करवाएंगी। वहीं शिक्षा नीति पर बात करते हुए शोभा कुमारी ने कहा कि वार्ड के फंड को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए हर 6 महीने में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं मैट्रिक इंटर के बाद छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा उन्हें लाभ दिलाया जाएगा। यही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमारे 31 वार्ड में जितने भी नागरिक हैं सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये पर्व को अच्छे से मनाएं। वार्ड नंबर 31 से वार्ड पार्षद की चुनाव लड़ रही है, क्या स्थिति है वार्ड नंबर 31 की? वार्ड नंबर 31 में गली नली की समस्या और स्कूल का समस्या बहुत ज़्यादा है। लोगों को आने जाने में बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है और बारिश में भी तो उससे भी बहुत बदतर जगह हो जाता है जिससे लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। और शिक्षा की अगर बात की जाए तो स्कूल वगैरह का क्या स्थिति है? स्कूल का भी हाल फिलहाल सही नहीं है, सब कुछ बेकार चल। जनता अगर इस बार मौका देती है तो कौन सा मुद्दा लेकर जनता के बीच? मैट्रिक इंटर में जो भी छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे अपना निजी फंड से 10,000 देने का कार्य करेंगे और किसी भी लड़की की शादी में 5100 रुपए निजी फंड से देने का कार्य करेंगे और सार्वजनिक शौचालय बनाने का कार्य करेंगे जिससे हमारा गांव स्वच्छ रह सके। अगर किसी कोई भी स्थिति में किसी का डेथ हो जाता है तो हम उससे 5000 निजी फंड से देने का कार्य करेंगे। विद्यालय जो है उसे डिजिटल विद्यालय बनाने का कार्य करेंगे। कई सारे यहाँ पे प्रत्याशी हैं आपके खिलाफ, जो तो क्या लग रहा है कि कैसे जनता को हमारे वार्ड हमको मौका देती है तो उसे हम आदर्श वार्ड बनाने का कार्य करेंगे। क्या चुनाव चिन्ह मिला है इस बार आपको? चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप। क्रम संख्या? क्रम संख्या 3 है। हमारी माता बहनों से अनुरोध है कि क्रम संख्या 3 पर टेम्पू छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। क्या लगता है चुनाव सर पे है? वार्ड नंबर 31 की अगर बात की जाए सबसे पहले तो वार्ड नंबर 31 के समस्त जनता एवं माता बहनों को नवरात्रा एवं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अगर हमारे वार्ड में अगर समस्या देखा जाए तो रोड नाला की काफ़ी समस्या है। जहाँ देखिएगा तो कहीं 100 घर का बस्ती है, वहाँ पे रोड का स्थिति देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। आज भी लोग पांका मेल के पानी मेल के कैसे गुजारा कर रहे हैं, बहुत स्थिति वहाँ का जर्जर है। और नाला की स्थिति भी देखा जाए तो रोड सड़कें तो बना दी गई है लेकिन नाला पानी अभी भी निकासी का नाला का जो निकासी है पानी का जो निकासी है अभी भी कहीं नहीं है। उसके बाद अगर हमारे वार्ड में स्कूल का स्थिति देखा जाए तो काफ़ी जर्जर है, कब बच्चा कौन आ रहा है नहीं आ रहा है,
मैंने इस तरह का स्कूल हो गया है कि उसको देखने पर लगेगा ही नहीं कि वो सरकारी स्कूल है और क्या है। जो इस बार अगर जनता मौका देती है किन मुद्दों को लेकर जनता की, देखिए मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा शिक्षा, ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही अगर आज लोग आगे नहीं बढ़ रहे उसका मेन मुद्दा होता है शिक्षा। शिक्षा अगर सबके पास होता तो हमको नहीं लगता है कि लोग इतना, मान ली कि कोई भी प्रतिनिधि आते हैं चुनाव जीतते हैं और कुछ नहीं करते। अगर शिक्षा रहता सबके पास, अगर शिक्षा रहे तो वो अपना हक अपना मांग सकता है किसी से भी। इसलिए पहले शिक्षा पर प्राथमिकता देंगे। इसीलिए हम अपने जो वार्ड नंबर 31 में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय है उसको पहले हम डिजिटल बनाने का काम करेंगे और उसको इस तरह से बनाएंगे कि ताकि लोग उत्साह, मैंने जो बच्चे हैं बचपन से, जो बच्चे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके मन में एक उत्साह बढ़ेगा और वो पढ़ने जाने के लिए उत्तेजित होंगे ताकि हमारे गांव का शिक्षा लेवल बढ़ेगा। दूसरा चीज़ है कि हमारे गांव में देखा जाए तो स्कूल तो हो ही गया, रोड का स्थिति तो काफ़ी है लेकिन उसको पहले सुधारने का काम करेंगे। जहाँ रोड नहीं है उसको पहले, उस सड़क को पहले बनाने का काम करेंगे। और जो भी हमारे फंड में, एक और चीज़ एक और वार्ड में है कि जो भी हमारे वार्ड में जो भी फंड किसी तरह का कोई भी चीज़ अगर योजना आता है तो किसी तरह का एक रुपया किसी को कमीशन देने का काम, किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले भी अगर वार्ड नंबर 31 की बात की जाए तो 31 वार्ड में लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है अपने निजी फंड से, कई बच्चों को यहाँ पे सहयोग दिया गया है, कई लोगों को सहयोग दिया गया है, कुछ उसके बारे में। देखिए हम निजी सहयोग दिए भी हैं और आगे देने के लिए भी नौ मुद्दा के लेकर आए हैं और हम नौ मुद्दा ही हम सिर्फ गांव के विकास के लिए लेकर आए हैं। जो नौ मुद्दा हमारा ये है कि हमारे वार्ड में जो भी मैट्रिक इंटर लड़का लड़की पास करेगा, फर्स्ट डिविजन जो भी लड़का लड़की पास करेगा उसको हम अपना निजी फंड से आर्थिक सहयोग के रूप में 10,000 रुपये आगे की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा ताकि बच्चा उत्तेजित होकर आगे का पढ़ाई वो करे। दूसरा चीज़ है कि कोई भी हमारे वार्ड में किसी भी स्थिति में किसी भी लड़की की शादी होगी वो सिर्फ हमारे पास एक कार्ड लेकर आए, एक निमंत्रण के तौर पे एक कार्ड लेकर आए और उसे कार्ड जैसा ही लेकर मेरे पास आएगा उसे 5,000 रुपया तुरंत नकद देने का काम करेंगे, हाँ एक आर्थिक सहयोग के रूप में उसे दिया जाएगा। तीसरा मुद्दा हम लोग का है कि कोई भी स्थिति में अगर किसी का, भगवान का कृपा हो, माता रानी का दिन चल रहा है लेकिन अगर किसी भी स्थिति में किसी का अगर देर होता है उसे तुरंत हम लोग 5,000 रुपया आर्थिक सहयोग के रूप में उसे पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ अभी भी देखिए कि बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत ख़राब लगता है कि खेत में शौचालय के लिए जाती हैं, उसके लिए हम लोग पहले सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम करेंगे ताकि स्वच्छ हम लोग का गांव बने, एक स्वच्छ सुंदर वार्ड बने, उसके लिए सार्वजनिक शौचालय वार्ड बनाने का काम करेंगे, शौचालय बनाने का काम करेंगे। पाँचवा चीज़ है कि वार्ड नंबर 31 में 3 मुख्य द्वार बनाने का काम करेंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी हमारे गाँव में लोग, कोई भी लोग बाहर से आएंगे तो उससे ये पता नहीं, पूछना ना पड़े किसी से कि वार्ड नंबर 31 किधर है, सिरपतपुर गांव किधर है और पचरुखिया दुलाचा गांव किधर है। वो एक पहचान के लिए हम वार्ड नंबर 31 में 3 मुख्य द्वार बनाने का काम करेंगे, इससे गांव की सुंदरता बढ़ेगा। और छठा चीज़ है कि कोई भी जो भी फंड हमारे वार्ड में आएगा कि हम कमाने के लिए चुनाव में नहीं उतरे, कमाने के लिए रहता तो हम आज इतना मुद्दा लेकर उतरते ही नहीं। हम कमाने के लिए चुनाव में नहीं उतरे हैं, जो भी हमारे वार्ड में फंड आएगा उससे ग्राम सभा का आयोजन करके जितने भी वार्ड नंबर 31 में जितने भी जनता है सभी को बुलाकर उसके बीच में रखने का काम करेंगे कि इतना का फंड आया है और इतना इतना काम यहाँ यहाँ किया जा रहा है। और लास्ट में है कि हमारे वार्ड नंबर 31 में कुछ लोग ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैट्रिक इंटर कर लेते हैं, उसे आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो मिलता है लेकिन लोगों को तो जागरूक नहीं हो पाता, लोगों को मिल नहीं पाता, इसलिए आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है। इसलिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी दिलाने का काम हम करेंगे। अंतिम सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वार्ड नंबर 31 की जनता के लिए क्या पैगाम है आप? वार्ड नंबर 31 की जनता के लिए यही पैगाम है कि आप एक बार सपोर्ट करें, हमारा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप कर्म संख्या 3 बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए और एक बार मौका दे हम अपने वार्ड को 31 वार्ड में आदर्श और सुंदर वार्ड बनाकर दिखाएंगे।